ठीक है, देखिए 7.1 शुरू कर रहा हूँ। ट्रायंगल चैप्टर है ये, क्लास 9th का। तो यहाँ पे दिया है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये कह रहा है ए सी इक्वल टू ए डी, इस तरह से है कि ए सी और ए डी इक्वल है, ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं, ए बी बाइसेक्ट एंगल है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ए बी जो है बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल, ठीक है ना। और तब आपको ये प्रूफ करना है ए बी सी, ए बी सी यानी कि ये वाला ट्राइंगल, और ए बी डी यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपको कॉन्वेक्स प्रूफ करना है। और ठीक है, हम क्या करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए गिवन और टू प्रूफ वगैरह लिखना क्वेश्चन में ठीक रहता है, क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा हो जाता है उससे, और आपको कुछ अलग से नहीं करना है, इसमें लिखा है वही तो लिखना है गिवन में, आप गिवन लिख लीजिए। देखिए गिवन लिखने से हमें फ़ायदा ये होता है, कभी कभी हमें नहीं भी आया तो गिवन और टू प्रूफ लिखने पर भी कभी कभी एक मार्क्स मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए देखते, तो गिवन क्या क्या है, हमें एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी लिखेंगे। क्वाड्रिलेटर को आप थॉट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी डी एंड ए सी इज इक्वल टू ए डी, देखिए ये गिवन है तो ये लिख दिया। और क्या गिवन है, एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, इसका मतलब ये दो एंगल बराबर हैं, यानी कि बी ए सी और बी ए डी दोनों बराबर होंगे। ये जब सवाल सॉल्व करेंगे तब लिख लेंगे, अभी तो ऐसे ही लिख दिए जैसे ये लिखा है लैंग्वेज में। टू प्रूव आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ए बी डी, ये सामने ही लिखा हुआ है सब। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी के बारे में क्या कहेंगे, तो ये बाद में देखा जाएगा, ये तो बी सी बी डी क्या है, सी पी सी टी से आ जाएगा आपका, कॉन्वेक्स प्रूफ करेंगे पहले, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, अब आप प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी, देखो ए बी सी और ए बी डी ये दो ट्राइंगल जो पूछे थे कॉन्वेक्स प्रूफ करने के लिए, उन्हीं को हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ए सी इजकल टू क्या है, ए डी गिवन में है, ये देखो ये गिवन है ए सी इजकल टू ए डी, ठीक है। एक और चीज़ गिवन में है कि क्या गिवन में है, देखिए ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ये जो लाइन है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, ये दोनों एंगल बराबर हैं, यानी कि एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इजकल टू एंगल बी ए डी, ठीक है। ध्यान से समझ से चलना, एक चीज़ तो गिवन थी, ये भी दोनों ही गिवन है, ये भी गिवन है सवाल में गिवन। अब कॉन्वेक्स के लिए हमें तीन चाहिए प्रॉपर्टी, ए भी दो, ए भी दोनों में है, इस ट्राइंगल में भी है इसमें भी, ए भी कॉमन है, ए बी इजकल टू ए बी, ठीक है, ये कॉमन है ए भी दोनों में। अब देखिए हमारे पास दो साइड है एक एंगल है, तो क्या लिखेंगे, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल, ठीक है ना। सेट क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ए बी डी प्रूव्ड हो चुका है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहे थे, व्हाट कैन यू से अबाउट बी एंड बी सी एंड बी डी, देखो बी सी और बी डी के बारे में क्या है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्वेक्स है तो ये इक्वल हो जाएंगे सी बी सी डी से, तो लिखेंगे हम नाउ बी सी इजकल टू बी डी हो जाएगा बाई सी पी सी टी, आंसर कंप्लीट हुआ है। देखो सी पी सी टी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स ट्राइंगल, कॉन्वेक्स ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, तो बस ये आपका जो है कंप्लीट हुआ, ये डायग्राम आपका बन के ही आएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इसको जो फर्स्ट टाइम ट्राइंगल कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा लग रहा होगा, तो कठिन कुछ नहीं है, बस आपको ये तीन कंडीशन ढूंढनी होती हैं। अभी दो चार सवाल आप इस टाइप के देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कॉन्ग्रेंस कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है ना।
चलिए ठीक है, तो फिर।